वी हैव सॉल्व सो मेनी एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए. सो नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3. बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू रिवाइज सम फॉर्मूलाज अगेन, सो दैट एक्सरसाइज आप कंफर्टेबली सॉल्व कर सके. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर कंपाउंड एनुअली है तब हमारा फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n. ठीक है, यहां पर a जो है दैट इज अमाउंट, p इज प्रिंसिपल, r इज रेट वो परसेंट में होगी, t और n इज टाइम जो ईयर मंथ किसी में भी दिया होगा. ये फॉर्मूला भी क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्योंकि इससे पहले जब ये फॉर्मूला नहीं था, इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ही सॉल्व करते थे. बट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली करने में हमें बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि हम पहले एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, उसको प्रिंसिपल में ऐड करते थे तो हमें अमाउंट मिलता था. दैट अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर. तो वो कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, इसलिए ये फॉर्मूला आया. अब इसी में हमने जो पढ़ा सेकेंड केस, दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ये तो एनुअली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो फॉर्मूले में स्लाइट चेंज आया, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/ रेट का आधा हो जाएगा बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और टाइम का डबल हो जाएगा. ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा एंड रेट में अपॉन में 200 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 100. ये चेंज आया. फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर हो, ठीक है, तो ये का यही फॉर्मूला रहेगा बट स्लाइट चेंज आ जाएगा, 1 + r/400 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 4. क्वार्टर मीन्स 12 मंथ में 3-3 मंथ के 4 इंटरवल होते, 4 इंटरवल्स, इसलिए रेट का 1/4 हो गया और टाइम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. ये हमने पढ़े कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसके बाद हमने जो नोटिसेबल चीज पढ़ी जो बार बार क्वेश्चन में लगेगी, लेट्स से अगर टाइम 5 1/3 ईयर से 4 ईयर से कुछ भी ले लो, एक कैसे ले लो, एक ले लो 2 1/5 ईयर, बट है जो भी वो कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, अब एनुअली है तो ना रेट का आधा कर सकते हैं ना टाइम का डबल, तो फ्रैक्शन कैसे हटेगा. यहां पर टाइम जो है वो फ्रैक्शन में, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मिक्स न्यूमरल को कन्वर्ट करें, तो इट इज 16/3 ईयर्स. आप बोलेंगे कि मैम हम डायरेक्ट भी तो रख सकते हैं, और इसको अगर हम करें तो इट इज 11/5 ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल हम इसे डायरेक्ट रख के देखते हैं, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1 + r/100 हमें नहीं पता, बट टाइम हमें यहाँ दिख रहा है 16/3. पावर को हम फ्रैक्शन में रखेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, 16/3 पावर अगर नेचुरल नंबर होती, होल नंबर होती, इंटीजर के फॉर्म में होती तो भी इजिली सॉल्वेबल थी, बट यहाँ पर पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है. तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आया. वो चेंज ये होगा कि हम ये टाइम को सेपरेट कर लेंगे, इसे हम एक कंप्लीट 5 ईयर लेंगे एंड सेकेंड पार्ट में इसे 1/3 ईयर कंसीडर करेंगे. देखिए कैसे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर, फर्स्ट कंप्लीट 5 ईयर पहले ले लिया हमने, इन द सेकेंड फॉर्मूला 1 + r/100 टू द पावर, यहाँ क्या आना चाहिए 1/3, अगेन इट्स अ फ्रैक्शन तो वो रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर्मूला, तो हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है. और फॉर्मूला प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, 8th क्लास में या बहुत छोटी क्लास में, तो इसका फॉर्मूला प्रूफ मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बट इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड तो हम इसे एज इट इज यूज करेंगे. तो हमने क्या किया, टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. पहला हमने कंप्लीट ईयर ले लिया, इन द सेकेंड ब्रैकेट हमने जो फ्रैक्शन पार्ट है वो लिया और उसको इस तरह से सॉल्व किया. ये और एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसको भी हम देख लें. अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + यहाँ पर कंप्लीट ईयर कितने हैं 2,
आर बाय 100 टू द पावर 2 एंड 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर क्या आना चाहिए 1/5 बट इट विल मल्टीप्लाई टू द आर. तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला पार्ट जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है. ये कौन सा केस है जब टाइम फ्रैक्शन में है प्लस साथ में कंपाउंडेड एनुअली, राइट. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आई कि हम अभी तक रेट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे. क्या जरूरी है अगर टाइम 5 साल दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहे? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है. तो ये लास्ट केस था जो हमने पढ़ा कि इफ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट ईयर. एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं. लाइक प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 2 ईयर्स है, बट रेट फर्स्ट ईयर के लिए 10% है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर शॉर्ट में लिख रही हूँ R2 15%. ये R2 ये शो कर रहा है कि सेकेंड ईयर है एंड R1 इज शोइंग दैट इट इज रेट फॉर फर्स्ट ईयर. तो आपका फॉर्मूला जो होगा P इंटू 1 प्लस यहाँ पर R1 बाय 100 आ जाएगा एंड इन द सेकेंड ईयर इट इज R2 बाय 100. बस ये चेंज आ जाएगा. अगर 5 डिफरेंट डिफरेंट रेट हैं तो R3 बाय 100, 1 प्लस R4 बाय 100, 1 प्लस R5 बाय 100. ठीक है, तो ये थे आपके सिंपल से फॉर्मूले. इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है और स्टूडेंट ये टॉपिक दिखने में आपको बहुत छोटा सा और 4 फॉर्मूले पे बेस्ड लग रहा है बट हमारी पूरी इकोनॉमी, फाइनेंशियल जो कैलकुलेशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज जो है वो सारी इस पे बेस्ड ही काम करती हैं. तो इसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है हमारी नॉर्मल लाइफ में बट हम अभी छोटे हैं, आप बच्चे छोटे हैं तो आपको इसका इतना भी यूज नहीं पता है. बाकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करने में, किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी ह्यूज अमाउंट वाली चीज कैलकुलेट करने में कंपाउंड इंटरेस्ट ही काम में आता है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन. क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है. फर्स्ट इज रुपीज 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट दिया है कंपाउंडेड एनुअली, तो ज्यादा टेंशन करने जैसा कुछ भी नहीं है. जो जो गिवन है वो हम लिख लें. पी इज इक्वल टू 10,800 रुपीस, रेट इक्वल टू 12 1/2%. ये मिक्स न्यूमरल में है तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 12 2 24 एंड 1 is 25 by 2% एंड टाइम दिया है एन और टी इज 3 ईयर्स. बहुत ही सिंपल है. अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम बार बार ऑलरेडी याद कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख देती हूँ. अमाउंट इज इक्वल टू पी 10,800 इंटू 1 plus R is what 25 by 2 एंड 100 जो फॉर्मूले का होता है, जो फ्रैक्शन का 2 है वो नीचे चला गया और ये 100 जो होता है ये फॉर्मूले का होता है. 2 to the power n means 3. इसको मैं टी लिखूं और n, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे. 10,800 इंटू 25 4 2 हो गया 8, 1 plus 1/8 to the power 3. इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे. अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9/8 to the power 3. ओपन कर लेंगे. 10,800 इंटू 9/8 3 टाइम्स है तो आप इजीली ओपन कर सकते हैं 9/8. अब यहां से आपको सॉल्व करना है. आई हैव ऑलरेडी सॉल्यूशन तो मैं इसका आंसर कॉपी करूंगी.
इट विल बी इक्वल टू 15377.34 रुपीस। बट ये आपका क्या आया है, अमाउंट आया है। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 15377.34 माइनस प्रिंसिपल वॉज 10800। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी इक्वल टू 4577.34 रुपीज़। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा मिलता है, तो आंसर भी आपका काफ़ी अच्छा हैंडसम सा दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन हम यहीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि छोटा सा पार्ट है। बी में हमें गिवन है ₹18,000 फॉर 2.5 years, 2.5 years एट 10% कंपाउंडेड अगेन एनुअली। ठीक है, बट यहां पर जो टाइम दिया है आप ध्यान दें, 2.5 year और एनुअली है, एनुअली है तो अब हमें कोई फॉर्मूले में चेंजेस तो नहीं करने। पर हम 2.5 कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स से हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं कि मैंने आपको जो न्यू फॉर्मूला बताया उसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, प्रिंसिपल तो गिवन है, रेट गिवन है, टाइम भी गिवन है, बट इट इज 2 1/2 years मीन्स 5/2 year। इसको टी लिखें या एन, जैसा मैंने आपको बताया, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम आप कहे मैम ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट क्यों नहीं लगा देती हैं, 1+R/100 टू द पावर एन, क्या दिया है 5/2। पावर को फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, पावर तो जो भी होगी वो एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर आना चाहिए, या होल नंबर आए, कुछ भी आए, इंटीजर आए, बट फ्रैक्शन में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें इस पावर को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 2.5 year को ब्रेक करना होगा। पहले 2 year का फॉर्मूला, जैसा मैंने आपको बताया, पी इंटू 1+R/100 टू दी पावर एन की प्लेस पे आ जाएगा 2 complete year, साथ में एक और ब्रैकेट आएगा R/100, अब आपका आना चाहिए हाफ ईयर यहां पर पावर में, तो हम उसे पावर में ना लिख के कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव्ड है तो हमें उसको एज इट इज यूज करना है। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी इज 18,000, 1+R/100 टू द पावर 2, 1+half R/100। यहाँ पर कोई पावर नहीं क्योंकि वह हाफ जो है ब्रैकेट के अंदर हो गया है। 0 कैंसिल, 2 5s are 10 एंड 5 से 100 कैंसिल होगा तो इट विल गिव यू 20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 18,000 इंटू ये 1+1/10 बचा टू दी पावर 2, यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है 1+1/20। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 21/20। इसको अगर हम आगे ओपन करें तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 दो बार है, पावर 2 है तो हमने इसे दो बार ओपन कर दिया, एंड 21/20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी इक्वल टू 22869 रुपीस, 22869 रुपीस। ठीक है, बट ये क्या आया आपका अमाउंट। अब आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मींस 22869 माइनस 18,000। ठीक है, सो फाइनली इट इज 4869 रुपीस। देखिए हमने फ्रैक्शन वाला ईयर भी सॉल्व कर लिया, 2.5 दिया था तो हमने 2 को अलग ले लिया एंड हाफ को अलग एक ही फॉर्मूले के अंदर और उसके थ्रू सॉल्व कर लिया। इसकी अगर अलग से आप मेथड करना चाहें तो मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू भी आप बाकी हाफ ईयर का निकाल सकते हैं, बट जो अमाउंट निकलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में क्या यूज होगा, एज ए प्रिंसिपल।
ठीक है। तो ये थे दो क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट थे स्टूडेंट।